तो आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर का नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। जो गिवन नंबर है आपको उसे क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और आपको यह भी बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो तीन तरह के होते हैं। एक मैंने फर्स्ट आपको पहला बताया था कि वो टर्मिनेट हो जाता है, और सेकंड मैंने आपको बताया था कि वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, ना वो खत्म होगा बट रिपीट करेगा। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना ही वो खत्म होगा ना ही वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका है 36/100 सॉल्यूशन। तो देखिए इसको सॉल्यूशन डिवाइड करने का, या तो आप लॉन्ग डिवीजन से कर लो, या तो 36 है डिनोमिनेटर में, देखो कि कितने जीरो है आपके पास में, 2 जीरो है, तो 1 2 यहां से नंबर को काउंट कीजिए और जीरो को बैठा दीजिए, तो आपका कितना आ गया यहां से 0.36। अगर आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो भी आपके पास यही आएगा। ठीक है, अगर जीरो वाला फॉर्मेट आता है तो आप इस टाइप से डिवाइड कर लें। तो क्या है ये आपका टर्मिनेटिंग है, यहां से लिखेंगे कि टर्मिनेटिंग, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है आपका 1/11। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले कीजिए और क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, 1/11, 11 से डिवाइड कीजिए 1 को। ठीक है, देखिए यहां पे 1 है, 11 आपका 1 से बहुत बड़ा है, क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 0 आपको मिल जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा ये, तो आप एक 0 यहां पुट करेंगे और एक 0 आप यहां ले लेंगे, तो 11 9 जा 99, कितना बचेगा आपका 1, फिर 0 अभी भी नहीं ये जाएगा, तो एक 0 यहां और बैठाएंगे, फिर ये, फिर 99, ये आपका चलता चला जाएगा, रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम बार लगा दिए, बार का मतलब होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका यहां से 0.09। ठीक, यहां पे मैं बार लगा दिया। अब मुझे ये बताओ किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अब लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक, या तो और करके आप लिख सकते हैं रिअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिअकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग। अब आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए हमारा थर्ड पार्ट है 4/1/8 सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो, तो हम लोग जानते हैं, देखिए अगर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले उसे फ्रैक्शन में हम रिड्यूस करते हैं। ठीक, 8 और 4 ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है और ये ऐड हो जाता है, तो 32/1/8 = 33/8। कॉपी कर रहा हूं क्वेश्चन को, 4/1/8 = 33/8। अब डिवाइड करना है हमें, तो 8 से डिवाइड कर दो अब 33 को, 8 4 32, ये कैंसल, यहां से आपका 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 मिल जाएगा, 8 1 जा 8, यहां से कितना बच जाएगा आपका 2, 8 2 जा 16,
बचेगा आपका 4 0। तो 8 5 40 कितना आया 4.125। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ, थ्री अपॉन 13 डिवाइड कीजिए इसे, 13 से डिवाइड करना है हमें 3 को, तो पॉइंट लगाया 0 मिल गया। 13 2 26 कितना बचेगा आपको यहां से 4 0। 13 3 39 1 बचा, फिर 0 मिला, अभी भी नहीं जाएगा, आप यहां से एक 0 बैठेगी, एक यहां मिल जाएगा। और 13 7 91 यहां से आपका 9 बचेगा, 0 मिलेगा। 13 6 78 12 बच जाएगा आपका यहां से, फिर 0 मिलेगा। 13 9 170 3 देखिए ये नंबर आया, बार बार आप रिपीट करेगा तो आप यहां बार लगा सकते हैं। तो कि सॉल्यूशन 3 upon 13 = 0.23076 9। अब मुझे बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, फिफ्थ पार्ट का देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 upon 11 सॉल्यूशन, 2 upon 11 को मैं कॉपी कर दिया, डिवाइड कर दू 11 / 2, 0 पॉइंट लगा दिया 1 टाइम्स में 11, क्या आएगा आपके पास में 9, 0 मिलेगा 8 times 88 बचेगा आपका 2 0 1 times 11। देखिए नंबर रिपीट करने यहां से लग गया, ठीक है, तो 18 लिख देंगे, इसको हटा देंगे, तो 0.18 क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा 6। 6 है 329 / 400 सॉल्यूशन, 329 / 400 तो 400 से हमें डिवाइड करना है 329 को। देखिए 400 आपका बड़ा है 329 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाइए 0 मिल जाएगा, तो 8 टाइम्स में 3200 कैंसिल, कैंसिल ये हो जाएगा आपका यहां से 90 बचेगा, अभी भी नहीं जाएगा तो ये 0,
टू टाइम्स में 800, 100 बचेगा यहाँ से, फिर जीरो मिल जाएगा आपको टू टाइम्स में, तो 800 यहाँ से आपका 200 बच जाएगा, जीरो लगाएंगे तो 2000 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये आपका 2000। इक्वल टू 0.8225 क्या है ये आपका टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टू है, क्वेश्चन को सुनिएगा। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो हाउ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 1/7 का आपको वैल्यू गिवेन है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का विदाउट लॉन्ग डिविजन मेथड से। तो कैसे करेंगे बताइए, कैसे होगा, जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आप उसे कॉपी करें। तो देखिए आपको गिवन है 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार, आपको 2/7 क्या होगा ये आपको पता करना है। तो कुछ नहीं, बहुत इजी है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। 2/7 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 2/7 को क्या 2/7 को हमने लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं, 1/7 का वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लॉन्ग डिविजन कहां हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो 2/7 को हम लिखेंगे 2 × 1/7, 1/7 की वैल्यू आपको पता है 0.142857 बार लगा दीजिए, बार है आपका पास में, मल्टीप्लाई कीजिए देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले आप 2 को 7 से करेंगे, पीछे से करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे से आप कर दो मल्टीप्लाई तो आपका बिल्कुल डिफरेंट आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 14 का 4 कैरी 1, 5 × 10 और 1 × 11 का 1 कैरी 1, 8 × 16 1 × 17, 17 का 7 कैरी 1, यहां तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 2 × 4 1 × 5 और 4 × 8 2 × 1 = 2 0.0 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारा 3/7 का, तो क्या हम लिख सकते हैं 3/7 का, 3 × 1/7, 3 × 0.142857 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 3 = 21 और 5 × 3 = 15 और 2 × 17 कैरी 1, 24 और 125 कैरी 2, 3 × 6 6 और 2 कितना होगा आपका 8 होगा, देखो 4 × 3 = 12 का 2 कैरी 1, 3 × 1 = 4.0 बार लगाइए, ये आपका आंसर होगा। 4/7 इक्वल टू 4 × 1/7, 4 × 0.142857, 7 × 4 = 28, 5 × 4 = 20 और 2 × 22 कैरी 2 लिखते चले आप,
8 4 जा 32 और 2 34 का 4 कैरी 3 और 4 2 जा 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 4 और 1 5 पॉइंट है तो लगा दीजिए बाहर, आपका बचा है 5 अपॉन 7 और 6 अपॉन 7। तो 5 अपॉन 7 इक्वल टू 5 इंटू 1 अपॉन 7, 5 इंटू 0.142857। तो 7 5 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 कैरी 1। यहां तक कंप्लीट हो चुका आपका। 5 4 जा 20 और 1 20 1 हो जाएगा आपका कैरी 2, 5 और 2 7 ये आपका सॉल्यूशन। लास्ट 6 अपॉन 7 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 अपॉन 7। तो 6 इंटू 1 अपॉन 7 का वैल्यू है आपके पास में 0.142857। 7 6 जा 42 कैरी 4 और 5 6 जा 30 और 4 34 कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51 कैरी 5, 6 2 जा 12 और 5 17 का 7 कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8.0 ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए आपको जो डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन है उसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म पी बाई क्यू, जहां पे आपका p और q इंटीजर है। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं 1 उसमें क्या था कि p बाई क्यू के फॉर्म में गिवन था और हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में करना था। अभी आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में गिवन है और आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, इजी है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट थर्ड का 0.6 बार है, ठीक है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप कंसीडर करें कि लेट x इक्वल टू 0.6 बार और इसको लिखेंगे हम 0.666, ठीक है। अब यहां बात को समझो, यहां पे देखो नंबर कितनी रिपीट कर रहा है, एक नंबर है जो रिपीट कर रहा है बार बार, 6 है वो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड पे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, चलो मैं करके बता देता हूं, 10 इंटू 0.66, ठीक है, 10x इक्वल टू 6.666, 10x इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे क्या, देखिए 6.666 को मैं नहीं लिख सकता हूं कि 6 प्लस 0.666 एक पैटर्न आपका बन जाएगा यहां से, तो 6 प्लस 0.666, तो 10x इक्वल टू 6 प्लस, देखिए यहां पे क्या आप कंसीडर करके रखे हो, x पुट कीजिए, x को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कीजिए, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6
और 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 अपॉन 9 कैंसिल कर दीजिए, 3 2, तो x इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये आपका सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट इज ये आपका 0.47 bar, यहां पे भी देखो 0.47 bar का मीनिंग 7 7 7, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है यहां पे, नंबर जो है यहां एक रिपीट कर रहा है। अगर आपके पास नंबर होता कि 0.478 78, तो आप यहां 100 से मल्टीप्लाई करते, क्यों दो नंबर रिपीट कर रहा, 7 8, और आगे में 0.6 5 6 5, तो यहां क्या, यहां भी 100 से करते, दो ही नंबर रिपीट कर रहा है। और आगे में अगर 0.576 576 है, तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई करते, क्यों थ्री नंबर रिपीट कर रहा, 576 ये तो रिपीट कर रहा। तो हम बात कर रहे थे सेकेंड पार्ट का, तो लेट x इक्वल टू 0.47 bar, इसको और लिख सकते हैं आप 0.4777, मल्टीप्लाई 10 से कर दिए बोथ साइड पे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, 10x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.777। देखिए अभी भी पैटर्न आपका फॉलो नहीं कर रहा है, इसको स्प्लिट कीजिए, तो क्या इसको स्प्लिट करके आप लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 4.3 प्लस 0.4777 लिखेंगे, ऐड करेंगे तो 4.77 आ जाएगा हमारा। अब देखिए 0.477 हमने मान के रखा है x, तो 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x, आप लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए तो 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, पॉइंट हटा दीजिए, 90x इक्वल टू 4.43 अपॉन 90। लास्ट पार्ट है आपका थर्ड, 0.001 bar, देखिए अगर आप यहां 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा, 100 से करेंगे तो भी नहीं बनेगा, आपको डायरेक्ट 1000 से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंसीडर करो लेट x इक्वल टू 0.001 bar, इसको और लिख सकते हैं 0.001 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड, कर सकते हैं। तो ये 1000x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0101 आपका आ जाएगा, ये 1000x इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01 0.001, ठीक है। अब इसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, x को पुट करेंगे तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस x, लेफ्ट पे शिफ्ट कीजिए तो 1000x माइनस x इक्वल टू 1, तो 999x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 999, ये आपका आंसर हुआ और क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 बिल्कुल सिमिलर है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन 4 पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन 4 बिल्कुल 3 की तरह है, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। एक्सप्रेस करना है जी आपको 0.9999, जिस तरीके से अभी क्वेश्चन हमने 3 किया था बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। तो सॉल्यूशन, लेट
एक्स इक्वल टू 0.999, इसको और लिख सकते हैं आप 0.9 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है, तो 10x इक्वल टू 9.999, 10x इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999, 10x इक्वल टू 9 प्लस, अब यहां बात को समझो, देखो 0.999 को क्या लिख सकते हैं, x लिख दो यार, 10x इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करो तो माइनस एक्स इक्वल टू 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 9, कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1, तो x इक्वल टू 1,